मैं आपका दोस्त राकेश सैम। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आईफोन 6 के अंदर डेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर। तो दोस्तों, हमारे एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर जितनी भी शॉर्टिंग, यानी कि फ़ोन जब डेड हो जाता है और हीट होता है और शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शॉर्टिंग हमारे दो तरह का होता है, एक तो फुल शॉर्ट होता है, एक हाफ शॉर्ट होता है। हाफ शॉर्ट में क्या होता है, हमारे जो पावर आईसी लगी होती है, पावर आईसी से जो आउटपुट हो रहा है सप्लाई, उस ट्रैक में कहीं भी कोई कैपेसिटर डायोड वगैरह अगर शॉर्ट होता है तो शॉर्टिंग हाफ शो करता है। और अगर इनपुट यानी कि बैटरी कनेक्टर से जो हमारा प्लस पॉइंट निकल रहा है 3.7 वोल्ट, वो उस वाले मेन ट्रैक में अगर कोई कैपेसिटर या डायोड जहां भी कहीं भी मेन इनपुट में अगर शॉर्ट होगा तो वहां पे आपको फुल शॉर्ट शो करेगा। तो दोस्तों, मैंने ये पूरा सर्किट डायग्राम बना रखा है, इसमें इसके द्वारा आपको मैं बताऊंगा आईफोन और एंड्रॉयड के अंदर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक एंड्रॉयड का हमारे पास बोर्ड पड़ा है। इसमें मैं बताऊँगा आपको कौन सी आईसी कहाँ होती है और इसके जो शॉर्टिंग के कारण होते हैं कैपेसिटर और डायोड, वो कहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रही हैं, हमारा CPU आईसी है, जैसे बोर्ड में ये पावर आईसी हमारी है, जैसे कि आप देखो ये हमारी पावर आईसी है, ये हमारी PFO आईसी है, जैसे सर्किट डायग्राम में मैंने आपको देखा ये हमारी PFO है, और ये हमारी रिंगर आईसी है। ये रिंगर आईसी हमारी, और ये आप जैसे आप देख पा रहे हैं 6 पिन की, ये हमारी लाइट आईसी है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारा प्लस पॉइंट होता है वो सारी आईसीओ से गुजर के जाता है। प्लस पॉइंट जो इनपुट होता है, अगर इनपुट ट्रैक में कहीं भी शॉर्टिंग हुआ तो पूरा मदरबोर्ड में शॉर्ट शो करेगा, यानी कि बीप की वॉइस आएगी। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर CC बना रही है, सारे हमारे कैपेसिटर हैं जो कि पावर आईसी के जस्ट बगल में होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये जो हमारे चार पांच कैपेसिटर लगे हैं, ये हमारे इनपुट ट्रैक में लगे पड़े हैं। इनमें से अगर कोई शॉर्ट होता है तो हमारे मदरबोर्ड में कहीं भी हम चेक करेंगे इनपुट ट्रैक को, बैटरी कनेक्टर पे या CPU के पास जो कैपेसिटर लगे यहाँ पे, तो सब जगह फुल शॉर्ट शो करेगा। और हमारे CPU के बगल में भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी रोम आईसी है जो कि इसके बगल में भी कैपेसिटर लगे होते हैं मेन सप्लाई यानी इनपुट के ट्रैक पे, और ये हमारी CPU के ट्रैक पे, जैसे चार आप देख पा रहे हैं, चार कैपेसिटर लगे पड़े हैं। ये हमारी, मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ कहाँ पर, किस जगह पर, तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे चार कैपेसिटर लगे हैं ये मदरबोर्ड में हमारा ही। तो दोस्तों, अब हम आपको चेक करके बताएंगे मदरबोर्ड में कि हमारी जो इनपुट ट्रैक है वो किस किस आईसी में और कैसे कैसे जाता है ट्रैक। तो सबसे पहले हमें मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना है, और हमारा जो रेड वायर है उसको हमें रखना है ग्राउंड पे, एंड जो हमारा ब्लैक वायर है उसको बैटरी कनेक्टर पर लगा कर चेक करना है कि हमारा बोर्ड पहले शॉर्ट है कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड शॉर्ट नहीं है। इसमें मैं आपको बताने के लिए ओनली इस मदरबोर्ड में आपको बता रहा हूं कि मेन सप्लाई यानी कि इनपुट जो हमारी बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट होता है 7.3 वोल्टेज जो आउटपुट होता है बैटरी कनेक्टर से, वो हमारे पावर आईसी, CPU आईसी, PFO आईसी, रिंगर आईसी, लाइट आईसी एंड रैम आईसी, और छोटी मोटी जो कंपोनेंट लगे होते हैं जैसे डायोड कैपेसिटर के थ्रू जो पास होता है वो कैसे चेक करना है उसके उससे बताते हैं आपको। तो दोस्तों, इसको चेक शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि आपको
रेड वाली वायर को ग्राउंड पर रखना है एंड आपको प्लस पॉइंट को ब्लैक वाली वायर से चेक करना है। और आपको डायग्राम में आप देख ही पा रहे हैं ये हमारी पावर आईसी है, पावर आईसी के पास जो लगे कैपेसिटर जा रहे हैं, ये हमारी बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के पीछे आप एक डायोड और एक कैपेसिटर देखेंगे जिससे मैक्सिमम शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है। ये हमारे जितने भी जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है वो कैपेसिटर या डायोड से आती है। और सबसे पहले हमें कोई भी मदरबोर्ड आपके पास रिपेयर के लिए आता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि पानी में पड़ा वाटर डैमेज वगैरह नहीं है। अगर वाटर डैमेज आपके पास फ़ोन डैड आता है तो सबसे पहले शॉर्टिंग चेक कीजिए। शॉर्टिंग अगर आपको मिलता है तो आपका ही दफ़ा ऐसा होता है लोग जल्दी जल्दी में आपको वॉश या सफाई वगैरह कर देते हैं उसकी, उससे हमें पता नहीं चलता कि फॉल्ट कहाँ से है। और उस दौरान आपको हीट भी नहीं होगा बोर्ड, और चेक कर आप मीटर से चेक करेंगे तो पूरे मदरबोर्ड में पूरा शॉर्ट शो करेगा। तो मदरबोर्ड को खोलते समय सबसे पहले उसको अच्छे से देखें कि किस कहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुआ पड़ा है, जो कंपोनेंट हैं कहाँ पे सड़े पड़े हैं, गले पड़े हैं, उस सेक्शन में चेक करें कि कैपेसिटर कौन सा ख़राब है। तो हैंड टू हैंड अगर आप चेक चेंज कर देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज अगर आप बाय मिस्टेक अगर कर देते हैं सफाई उसके बाद आप चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा कि आपको पता भी नहीं लगे कैपेसिटर शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है। उसके बारे उस पर भी मैंने ये पूरी वीडियो को आप देखिएगा, उसमें उस ऐसी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको कैसे ठीक करते वो भी मैंने इसमें इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को तो आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ कैसे आपको शॉर्टिंग निकालना है मदरबोर्ड से, हाफ शॉर्टिंग एंड फुल शॉर्टिंग। तो ये हमारा पावर आईसी है, पावर आईसी के बगल में जो लगे कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं चार। ये हमारे इनपुट ट्रैक के प्लस पॉइंट पे है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट शोकर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक सेम है। ये हमारी सीपीयू आईसी है, सीपीयू आईसी के बगल में लगे जो कैपेसिटर हैं पांच हैं। जहाँ पे प्लस पॉइंट होगा वहाँ पे वो बीप आएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रिक मैं आपको करके बता रहा हूँ ये ओनली एंड्रॉयड पे ही काम करेगा, ये ओएस पे नहीं काम करेगा, यानी कि एप्पल पे नहीं काम करेगा। क्योंकि एप्पल में क्या होता है, एप्पल के पावर आईसी के बगल में आपको इस एंड्रॉयड में तीन चार या पांच मिल जाएंगे कैपेसिटर मेन इनपुट ट्रैक में। और आपको अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन के इनपुट ट्रैक में भी आपको कम से कम 8 से 10 कैपेसिटर मिलेंगे। लेकिन शॉर्टिंग की प्रॉब्लम मैक्सिमम जो आती हैं वो हमारे कैपेसिटर और डायोड के कारण ही आती हैं। आईसी से भी आती हैं, आईसी से जब आती हैं या तो फिजिकल डैमेज हो, गिरा हुआ फ़ोन हो, या तो वाटर डैमेज हो जब। अदरवाइज आईसी बहुत रियल केस में सीपीयू पावर तो बहुत रियल सीपीयू पावर और रोम आईसी बहुत रियल केस में ही ख़राब होती हैं। वो या तो डैमेज फ़ोन हो, फिजिकल डैमेज, या तो वाटर डैमेज के कारण ही ख़राब होती हैं। तो उस दौरान आपको कैसे चेक करना होता है कि हमारी आईसी ख़राब है या कंपोनेंट ख़राब है, तो उस वो चीज़ चेक करने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। मैं अभी ये आपको चेक करके बताऊंगा और आपको वैसे भी बताऊंगा कि कैसे अगर वो फॉल्ट आ जाए तो आपको कैसे दूर उससे सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको इसमें बता दिया कि सारे कहाँ पर इसके इनपुट ट्रैक हैं, यानी कि जो हमारा प्लस पॉइंट से 3.7 वोल्टेज से आउटपुट हो रहा है बैटरी कनेक्टर से, वो कहाँ कहाँ आपके किस आईसी में और किस पिन पे जा रहा है वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी लाइट सेक्शन है, लाइट आईसी, ये लाइट आईसी पे भी आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा, यानी कि वहाँ पे भी इनपुट ट्रैक अगर हाफ शॉर्टिंग होती है तो इनपुट ट्रैक में शॉर्टिंग नहीं शो करता है, वैल्यू भी शो करता है। तो ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये सारे मैंने इसमें अभी अब तक आपने जो आप देखा ये सारा इनपुट ट्रैक मैंने बताया। आउटपुट ट्रैक में क्या होता है, आउटपुट ट्रैक पे मैंने वीडियो आगे बनाया, इस वीडियो को देखते रहिए आगे। मैं अभी आपको ये बता दूँ फिर आपको आगे चल के बता रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये मदरबोर्ड में पावर आईसी है, पावर आईसी के बगल में कैपेसिटर लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टर के बगल में डायोड और कैपेसिटर लगा पड़ा है, सीपीयू आईसी के बगल में आपको कैपेसिटर मिलेगा। सारी ये जो मेन सप्लाई में शॉर्टिंग के मेन कारण यही हैं,
और ये जो कैपेसिटर और एक डायोड आप देख पा रहे हैं बैटरी कनेक्टर के पीछे, ये मैक्सिमम आपको हर एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम अगर वोल्टेज चार्जिंग से या आपके बैटरी कनेक्टर पे अगर उल्टा आपने सप्लाई दे दिया प्लस माइनस उल्टा हो गया, तो ये मैक्सिमम शॉर्टिंग के कारण यही होते हैं। इस कैपेसिटर और डायोड को आप रिमूव कर दीजिए, आपकी ये शॉर्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जब होगा जब इसको ओवर वोल्टेज मिलेगा तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। और जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं ये हमारे सीपीयू के मेन इनपुट ट्रैक में है, जो कि बैटरी कनेक्टर से 3.7 वोल्ट पास हो रहा है, तो यहाँ भी अगर शॉर्टिंग होता है तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग पूरे मदरबोर्ड में शो करेगा इनपुट ट्रैक में। और ये रोम आईसी के बगल में ये लगे मेन ट्रैक पे ये जो कैपेसिटर है इससे भी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम शो करती है। तो दोस्तों मैंने आपको डायग्राम के अनुसार बता दिया आपको कि शॉर्टिंग की प्रॉब्लम कैसे कहाँ से शॉर्ट हो जाए, तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को चेक करना है और कैसे निकालना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आपको अगर मदरबोर्ड में कोई फ़ोन आ रहा है रिपेयर के लिए और उसमें शॉर्टिंग है तो उसको कैसे चेक करना है और उस फॉल्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो देखते रहिए वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम आईफोन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आईफोन 6 पड़ा हुआ है जो कि डेड कंडीशन में पड़ा है रिपेयर के लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ओपन कर लिया हमने, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि बैटरी डाउन तो नहीं है। वोल्टेज पे हमें सेट कर लेना है मीटर को। तो देखिए दोस्तों हमारी बैटरी फुल चार्ज है। अब हमें मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है और चेक करना है मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है शॉर्ट। तो दोस्तों हमें मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है और चेक करना है मदरबोर्ड में कि मदरबोर्ड हमारा शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं हम ये मदरबोर्ड हाफ शॉर्ट है, यानी फुल शॉर्ट नहीं शो कर रहा है। एक साइड से 0.1 शो कर रहा था और दूसरे साइड से 7.86 से शो कर रहा है, यानी कि शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है। इसको अगर मशीन पे हम लगाते हैं सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई पे, तो दोस्तों आप सुन पा रहे हैं ये शॉर्टिंग शो कर रहा है, यानी इसमें पावर आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग है।
जो पावर आईसी से हमारा आउटपुट कर रही है सप्लाई, उस सेक्शन में शॉर्टिंग है, इसलिए हाफ मीटर में हमें हाफ शॉर्टिंग शो कर रहा है। और जब सप्लाई को पास कर रहे हैं ऑन करने के लिए, तो आउटपुट जैसे सप्लाई पास कर रही है पावर आईसी, फ़ोन हमारा ओपन हो गया। अब हमें इसको डीसी पावर सप्लाई से इसको सप्लाई देना है। डीसी पावर सप्लाई हमने लगाया, देखिए दोस्तों फुल शॉर्ट शो कर रहा है, यानी कि पावर आईसी से जो आउटपुट हो रहा है उस ट्रैक में शॉर्टिंग है, जो कि फुल शॉर्ट शो कर रहा है। और अब इसको हम करते हैं, अब इसको हाफ शॉर्टिंग को हमें चेक करना है, तो हमें इसको इसलिए हमें डीसी पावर सप्लाई पे 1.8 या 2 के समथिंग हमें वोल्टेज को करना है, और उसके बाद हमें फिंगर से टच करके मदरबोर्ड में देखना है कि मदरबोर्ड के किस सेक्शन में, किस एरिए में मतलब हीट शोक हो रहा है। तो इसको फिंगर से टच करके हम चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा है, यानी कि इस सेक्शन में कोई कंपोनेंट या कोई आईसी शॉर्ट हो रही है, जिसके कारण ये फ़ोन हीट हो रहा है और शॉर्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इस स्टील को उतारेंगे, उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए हमारे पास, और इसको हीट के एसएमडी की सहायता से इसको उतारेंगे हम केयरफुली। ओपन हो गया, अब हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर फुल शॉर्ट शो कर रहा है, बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि फुल शॉर्ट यहाँ पर शो कर रहा है आउटपुट ट्रैक में। ये हमारा चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के बगल में लगे जो कैपेसिटर हैं ये फुल शॉर्ट शो कर रहे हैं। हम
इसको फॉलकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा जो मदरबोर्ड है इससे एकदम चिल्ड हो जाएगा, यानी कि ठंडा पड़ेगा तो हो जाएगा। अब इसको दोबारा हम लगाएंगे डीसी पावर सप्लाई से। सेम वोल्टेज के ऊपर ही कनेक्ट करना दोबारा हमें। और हमें फिंगर से टच करना है कि कहाँ पे हीट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा हीट हो रहा है। ये हमारी जो चार्जिंग आईसी के बगल में लगे हैं, कैपेसिटर और ये छोटी आईसी जो चार्जिंग के यूएसबी के लिए लगा होता है, जिसमें बीएसआई का कनेक्शन भी होता है। यानी कि हमारे इनपुट स्टैक में जो कोई कैपेसिटर या डाइवोल्ट या कोई आईसी शॉर्ट हो रही है, जिसके कारण हमारा बीएसआई का जो ये आईसी है ये हीट हो रहा है। दोस्तों इसको पहले सबसे पहले हम रिमूव करते हैं इसके बगल में लगे कैपेसिटर को, क्योंकि अगर वो शॉर्ट होगा फिर भी आईसी हीट होगी छोटी यूएसबी वाली। तो दोस्तों जैसे कि रिमूव हो गया, दोबारा हम चेक करते हैं। तो अभी भी ये इसमें फुल शॉर्ट शो कर रहा है। अभी भी इसके आउटपुट ट्रैक में शॉर्टिंग है। मेरे सारे आउटपुट ट्रैक हैं, हर जगह बीप का आवाज़ आ रहा है, यानी कि फुल शॉर्ट शो कर रहा है आउटपुट ट्रैक पे। तो हम चेक करते हैं पावर आईसी के अगल बगल लगे जितने भी कैपेसिटर हैं कि कोई शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे शॉर्ट शो कर रहे हैं। मगर हीट हमारी यूएसबी आईसी होती हो रही है। हम इसको देखेंगे कोई कैपेसिटर डैमेज तो नहीं है। सारे कैपेसिटर हमारे क्लीन हैं। ओपन कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, बट आप इसको वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखें। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर हाफ शॉटिंग होती है तो इसको चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आईफोन 6 का मदरबोर्ड है, इसको अगर हमें हाफ शॉटिंग चेक करना है तो सबसे पहले हमें इसको डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। और डीसी पावर सप्लाई में देखिए जैसे बीप की आवाज़ है, यानी कि शॉर्ट हो रहा है। अब इसमें हमें वोल्टेज को 1.8 या 2 के समथिंग पे ले जाके सेट करना है, जहाँ पे वो शॉर्ट ना शो करे। अब इस दौरान हमें मदरबोर्ड पे चेक करना है मदरबोर्ड का कौन सा पार्ट किस साइड हीट हो रहा है, ये चेक करना है इस दौरान।
तो हम इसको टच करके फिंगर से चेक करेंगे कि किस साइड और कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हीट हो रहा है, यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी लगी पड़ी है, इस सेक्शन में शॉर्ट हो रहा है, उसको हम करते हैं ओपन। क्योंकि शॉर्टिंग की मैक्सिमम जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है 6 से 6S और आपका 6+ में वो सेम यहीं से आती है। यहाँ जब शॉर्टिंग होती है तो हमारे चार्जिंग की जो USB वाली IC वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं, दोनों कैपेसिटरों को। मैं पहले आपको चेक करके दिखा दूं कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। देखिए मेन आउटपुट ट्रैक में है या ये सॉकर शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसको अब रिमूव कर लेते हैं हम। ये दोनों हमारे कैपेसिटर हैं जो कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 80% जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है 6 से 6+ और 6S के अंदर वो इसी कैपेसिटर्स हैं। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि जो हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हुई या नहीं। तो देखिए दोस्तों शॉर्टिंग की हमारी रिमूव हो गई, यानी कि जो ये दो हमने कैपेसिटर रिमूव किए दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो रहे थे। अब हम इसके चार्जिंग सेक्शन में जो कैपेसिटर लगे थे जो शॉर्ट हो रहे थे, पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर शॉर्ट हो रहे थे, शॉर्ट होने के मेन कारण यहीं से आते हैं। ये हमारी छोटी जो UIC है यहाँ से भी शॉर्टिंग आ सकते हैं, बट मेन सेट शॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम ये इस कैपेसिटर से आते हैं जो कि CPU को व्यवस्था हमारा, और हमारे ये जो है PFO के वाईफाई PFO के पास जो लगा हुआ है कैपेसिटर, इससे भी शॉर्टिंग आते हैं। तो इसको भी देख लें। चलिए दोस्तों अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि शॉर्टिंग ख़त्म हुई, फ़ोन चालू हो रहा है नहीं हो रहा है। वोल्टेज को हम बढ़ा लेते हैं अब। तो देखिए दोस्तों शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है, यानी कि शॉर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि देखिए दोस्तों फ़ोन हमारा ऑन हो गया, यानी शॉर्टिंग ख़त्म हो गई, फ़ोन आपका ओके कंडीशन में हो गया। तो दोस्तों मैं देखने वही बहुत उतावला हूँ।
जैसे कि फ़ोन ओपन हो गया हमारा, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पर इसका सप्लाई चेक करते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं। उसके बाद हमें शॉर्टिंग के लिए हमें मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना है। ये पहले से भी कहीं से रिपेयर होकर आया पड़ा है, पूरा बोर्ड में काम हुआ पड़ा है इसमें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया, फ़ोन खोलते टाइम सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि फ़ोन हमारा शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। दोस्तों ये हमारा फुल शॉर्ट बोर्ड है, यानी कि इसके इनपुट ट्रैक में ही, मतलब बैटरी कनेक्टर से जो आउटपुट हो रहा है उस ट्रैक में कहीं शॉर्टिंग है। अब इस शॉर्टिंग को, इसको हम फुल शॉर्टिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जितने भी बैटरी कनेक्टर से जो ट्रैक जा रहा है, इस ट्रैक में लगे जितने भी कैपेसिटर डायोड सारे शॉर्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने सर्किट डायग्राम में बता दिया है कि जो मेन सप्लाई होती है 3.7 वोल्टेज जो पास होती है बैटरी कनेक्टेड से, वो PFO, CPU, पावर IC रिंगर, IC लाइट, IC के अंदर से होते हुए सभी ICO में कैपेसिटरों में जाती है। अगर इस वाले ट्रैक पे कोई भी कैपेसिटर डायोड कोई भी अगर शॉर्ट होता है तो हमारा फ़ोन फुल शॉर्ट शो करता है। और दोस्तों अगर ऐसे आपको फॉल्ट नहीं समझ में आता है, आपको पूरा अपने ट्रैक कर ले तो आपको समझ में आता है कौन सा कैपेसिटर उतारूं कौन सा नहीं उतारूं, कहां से एक्चुअल दिक्कत कहां से है। तो इसके लिए आपको मैंने इसमें अभी DC पावर सप्लाई से लगा कर आपको बताया कि कहां से शॉर्टिंग हो सकता है। तो दोस्तों आप कभी भी अगर ऐसी फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग है तो मीटर DC पावर सप्लाई को वोल्टेज को पहले आपको करना है 0, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाना है 1.8 से लेके 2 तक छोड़ देना है। उसका मदरबोर्ड को टच करना है कि किस एरिए में और किस मतलब जगह पे हीट हो रहा है, उस सेक्शन में ट्रैक कीजिए, वो वहाँ पे आपको फॉल्ट मिल जाएगा ऑलमोस्ट। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फ़ोन में पूरा फुल शॉर्ट है, और इसका मैंने कैपेसिटर मेन सप्लाई के जो मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड के पीछे लगे जो दो कैपेसिटर होते हैं, दो कैपेसिटर नहीं होते हैं, एक कैपेसिटर एक डायोड होता है जो कि अगर ओवर वोल्टेज या उल्टा कनेक्शन आप लगा देते हैं प्लस माइनस, उस दौरान ये डायोड और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत आए तो इन दोनों को रिमूव कर दें, अगर इनपुट ट्रैक अगर शॉर्टिंग फुल शो कर रहा हो तो इन दोनों को रिमूव करते ही आपकी ये जो नॉर्मल शॉर्टिंग फुल वाली है ये ख़त्म हो जाएंगी। और अगर इसके बाद भी अगर शॉर्टिंग है तो दोस्तों वही आपको ट्रिक पूरा जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वैसे आपको
सभी सेक्शनों में लगे कैपेसिटर और वगैरह चेक करना है कि कौन सा शॉर्ट है, और आपको डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, वोल्टेज को कम करना है और कनेक्ट करके आपको फील करना है कि किस सेक्शन में कहाँ पर शॉर्टिंग शो कर रहा है, आपको शॉर्टिंग की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों हमें बताएं कि हम आपके लिए कैसी वीडियो बनाएं। और दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे, आपको अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखे और आपसे नहीं हो रहा तो आप हम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस शॉर्टिंग से रिलेटेड या कोई अदर भी फॉल्ट हो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से, आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, और जितने भी हमारे भाई रिपेयर वाले हैं तो प्लीज़ आप सजेस्ट करें कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ आपके लिए, प्लीज़ इसके बारे में बताएँ कॉमेंट कर रख लेता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.